नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स पे, जहाँ पर आप सीखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को कैसे रिपेयर किया जाता है घर पर ही। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत बढ़िया, आज का टॉपिक है फैन रेगुलेटर। इस फैन रेगुलेटर हम लोग ले कौन सा इलेक्ट्रिसिटी सेवर होता है, कौन सा नहीं लेना चाहिए और कौन सा हम लोग घर के लिए ठीक है। दोस्तों एक फैन रेगुलेटर ये भी आता है, इसके बारे में बताऊंगा। एक फैन रेगुलेटर दोस्तों ये भी आता है, इसके बारे में पूरा डीपली बताऊंगा। और एक ये भी आता है, तो इन तीनों में से हम लोग दोस्तों ले कौन सा, इस पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ, सीधे चलते हैं ये मुद्दे के ऊपर। दोस्तों हम लोग बात करेंगे पहले इस रेगुलेटर के बारे में। दोस्तों पहले के जमाने में इतने बड़े से रेगुलेटर आते थे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेगुलेटर, ये स्पीड रेगुलेटर होता है दोस्तों। और ये रेगुलेटर आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो रेगुलेटर है, जब आप इसकी स्पीड कम करते हैं, इसमें 5 तक की स्पीड होती है, जब आप इसमें स्पीड कम करते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस होता है जो हीट के फॉर्म में स्पीड को कम ना करके, स्पीड को कम तो करेगा, फैन से स्पीड कम होगी, वोल्टेज कम होगी, मगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं करता है। वो रेजिस्टेंस आपको इलेक्ट्रिसिटी आपकी रोक के हीट के फॉर्म में रिड्यूस कर देगा, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं होगी इस रेगुलेटर से। और ये ज़्यादा वाट के भी दोस्तों होते हैं, बिल्कुल भी नहीं आप लोग को घर पे लगवाने चाहिए। हाँ, ये किसके लिए फायदेमंद है, ये उन पंखों के लिए फायदेमंद है जो पहले के जमाने में भारी भरकम पंखे आते थे 100-120 वाट के, उनके लिए ठीक है क्योंकि उन पंखों को सही से ऑपरेट कर पाते हैं। उस टाइम का पंखे का रेगुलेटर है, ओरिजिनल रेगुलेटर है उसको, और ये उन्हीं पंखों पे चल पाता है, चलता आज के पंखों पर भी है, मगर उन पंखों के लिए ज़्यादा ही सही रहता है। और जो एक रेगुलेटर और आता है, ये दोस्तों एंकर का स्विच टाइप रेगुलेटर है, और ये इसको हम लोग वो बोलते हैं मूवेबल डिमर और वॉल्यूम रेगुलेटर भी बोलते हैं, जो इसमें स्टेप नहीं होते। ये देखिए यहाँ तक गया, यहीं से ये देखिए ऑन ऑफ। तो जो इस तरीके के रेगुलेटर हम मूवेबल वाले, इनको भी ना लें, क्योंकि एक तो ज़्यादा वाट के होते हैं और ये सक्सेस नहीं है, फ्री हो जाते हैं। मतलब आप लोग सोचेंगे कि लाओ ले लेते हैं, इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं पर भी सेट नहीं हो सकता। ये शुरुआत में तो बढ़िया चलेगा, फिर बाद में ये बेकार हो जाता है। ज़्यादातर केसेस इसमें यही आते हैं कि ये रेगुलेटर अब चल नहीं रहा, या तो बिल्कुल कम पे चलेगा या तो बिल्कुल हाई पे चलेगा, तो ये भी रेगुलेटर आप लोग ना लें। क्या और रेगुलेटर दोस्तों लेने आपको कौन सी चीज़ दोस्तों, ये रेगुलेटर आप लोग के घरों में ज़्यादातर लगा रहता होगा दोस्तों, एंकर का रेगुलेटर है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, हैवर्स का ले सकते हैं, एंकर का ले सकते हैं, और कई सारी कंपनी आती हैं, आरके लाइट वगैरह, उन सबका ले सकते हैं, क्लिक का ले सकते हैं। दोस्तों ये रेगुलेटर है, इसको स्टेप वाला रेगुलेटर बोला जाता है, इसमें स्टेप होते हैं, इसमें 4 स्टेप हैं दोस्तों, देखिए 1 2 3 4। और जब भी दोस्तों रेगुलेटर लें तो फुल राउंड लें, ऐसा कोई रेगुलेटर ना लें जो आगे चल के मतलब यूं करके यहीं तक इसकी स्पीड हो। इसलिए मैंने पहले रेगुलेटर दिखाया था एक जगह पर रुक जा रहा था, पूरा फुल राउंड रेगुलेटर लीजिए, पूरा घूम जाए अच्छी तरीके से। बस इसमें दोस्तों एक दिक्कत इस रेगुलेटर में एक और आती है, इसमें स्टेप कम है, केवल 4 ही स्टेप होते हैं। और इसी की जगह पर एक रेगुलेटर और आता है, इसमें स्टेप ज़्यादा होते हैं, ये देखिए दोस्तों सॉफ्ट टाइप रेगुलेटर, इसमें आपको स्टेप ज़्यादा मिलेंगे, इसमें दोस्तों 5 स्टेप होते हैं। अब ये देखिए ये 0 पे है, 1 2 3 4 5, तो जितने ज़्यादा स्टेप होते हैं उतने ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, और ये आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करता है। जब ये आधे आधे से कम पे चलता है, तो जैसे जैसे आप इसकी स्पीड घटाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव भी करते जाते हैं। और जो बड़े रेगुलेटर पहले दिखा रहा था वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव नहीं करते हैं, और ये मात्र 100 वाट के हैं, ये भी 100 वाट का है, वो भी 100 वाट का है। तो जब भी रेगुलेटर लें तो एक चीज और देख लें कि आखिर रेगुलेटर का वाट कितना है, 100 वाट से ज़्यादा के तो नहीं, 100 वाट के ही लें, उससे ज़्यादा के मत लें, क्योंकि जो हम लोग के दोस्तों पंखे आ रहे हैं वो काफ़ी कम वाट के होते हैं, मतलब 65 वाट का किसी का है, 70 का है, 75 का है, 78 का है, मतलब 100 वाट से हम लोग के बहुत कम कहीं रहते हैं, मैक्सिमम पंखे 100 वाट से कम के रहते हैं। और अगर आके पंखे पुराने जमाने के बड़े वाले हैं तो उनमें बड़े ही रेगुलेटर में लगाएं, क्योंकि बड़े रेगुलेटर भी मिल जाते हैं ढूंढने से, है ना। और दोस्तों ये रेगुलेटर आपके इस कलर में भी आ जाते हैं, ये देखिए ये एवरी कलर है, एवरी कलर में भी रेगुलेटर दोस्तों आ जाता है। और दोस्तों मॉडलर में भी, ये मॉडलर कंपनी है वो भी बनाती है, तो ये एंकर रोमा का मॉडलर रेगुलेटर है, एंकर रोमा भी मॉडलर रेगुलेटर बनाता है। इसमें भी देखिए दोस्तों 5 स्टेप है, जितने भी अच्छे रेगुलेटर होंगे उसमें 5 स्टेप कम से कम रहते हैं, ये देखिए 5 स्टेप रहते हैं, और ये बहुत अच्छे ऑपरेट करते हैं, एक्चुअल स्पीड देते हैं। एक्चुअल स्पीड मतलब कि ऐसे एक पे चलाएंगे तो रहेगा, एक पे चल रहा है पंखा, मरा मरा नहीं चलेगा, चलेगा एक पे, कुछ ना कुछ देगा रिस्पॉन्स, और 2 पे चलाएंगे अच्छा चलेगा, 3 पे। तो एक्चुअल स्पीड पंखों में तभी देते हैं जब अच्छे रेगुलेटर दोस्तों लगे रहते हैं, हैवी डाइवोल्ट होते हैं इसके अंदर, चीज़ें हैवी लगी रहती हैं, ये भी दोस्तों 100 वाट के रेगुलेटर होते हैं। और दोस्तों पर्चे में इसमें लिखा रहता है पैकेट में कि कितने वाट के रेगुलेटर हैं दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पर 100 वाट लिखा हुआ है। इसी तरह दोस्तों रोमा स्विच, ये सॉकेट टाइप रेगुलेटर बोले जाते हैं, और ये देखिए ये स्विच टाइप रेगुलेटर है, जो स्विच की जगह पे लग जाए वो स्विच टाइप, जो सॉकेट की जगह पे लग जाए वो सॉकेट टाइप। और ये जो रेगुलेटर है वो मॉडलर रेगुलेटर है, इसे जब इसको आप लेने जाएं तो ये एक मॉडल पे लग जाता है, ये 2 मॉडल पे लग जाता है, ये भी बोल सकते हैं, और स्विच सॉकेट टाइप भी बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें 4 स्टेपिंग है, और स्टेपिंग इससे दोस्तों अच्छी होती है, जो कि स्टेपिंग लॉन्ग लाइफ होती है,
एक स्टफिंग, अगर स्टफिंग नहीं होगी वॉल्यूम वाले होंगे तो फ्री हो जाते हैं, मगर स्टफिंग कभी खराब नहीं होती दोस्तों, बहुत लॉन्ग लाइफ रहती है। तो दोस्तों बात आती है कि आखिर आप रेगुलेटर लें कौन सा। तो दोस्तों अगर आपके घर में ये सरमाइका शीट लगी है, उस पर आपको रेगुलेटर लगाना है, अगर नया कनेक्शन ले रहे हैं, नया शीट कटवाने जा रहे हैं, तो दोस्तों यही लगवाएं। और अगर दोस्तों पुराना है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही स्टेप वाले रेगुलेटर हैं, ये स्विच टाइप है, ये सॉकेट टाइप है, ये स्विच की जगह लग जाएगा और ये सॉकेट की जगह लग पाएगा। मगर इन दोनों में दोस्तों अगर बेस्ट की बात करें तो दोस्तों बेस्ट ये है, क्योंकि दोस्तों सारा गेम जो है वो स्टेप स्टेप का है। इसमें दोस्तों चार स्टेप आपको मिलेंगे और इसमें दोस्तों आपको पांच स्टेप मिलेंगे। तो दोस्तों जितने ज़्यादा स्टेप होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। और इसमें क्या रहता है कि थोड़ा बहुत वो हो जाता है कि तीन पे धीमे और चार पे, तो तीन चार पे आदमी चला पाता है। इसमें क्या आपको एक की स्पीड पे भी पता चलेगा, दो पे भी पता चलेगा, तीन पे भी, चार पे भी, पांच पे भी। दोस्तों पांचों स्पीड का इस पे आप मजा ले सकते हैं। मगर दोस्तों ये भी बढ़िया, दोनों में से कोई भी आप लगवा सकते हैं, मगर बेस्ट ये है ना। और अगर आप बात करें मॉड्यूलर पे, तो दोस्तों मॉड्यूलर पे ये देखिए, ये अगर आपके मॉड्यूलर वाला हिसाब किताब है, नए जमाने में मॉड्यूलर आजकल चल रहा है, तो मॉड्यूलर पे आप स्विच टाइप भी सॉकेट टाइप दोनों में से कोई भी लगा, ये दोनों ही बेस्ट रेगुलेटर हैं। हालांकि इसमें चार स्टेप है, इसमें पांच है, इससे कोई दिक्कत नहीं, जो कि ये दोस्तों हैवी रेगुलेटर है, दोनों ही अच्छे रेगुलेटर हैं, इनमें से आप कोई भी लगवा सकते हैं, दोनों ही बड़े रेगुलेटर हैं। और कैसी लगी आज की ये वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच दोस्तों।